हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 10 सर्कल का थ्योरम 10.11 को प्रूफ करने वाले हैं। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम 10.11 है, बोल रहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझिए, किसी सर्कल के अंदर ठीक है ना एक क्वाड्रिलेटरल का होना, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है ना। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का जो पॉइंट होगा, चारों पॉइंट होगा जैसे ABCD ठीक है ना, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई होना चाहिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक। अब हमको ये प्रूव करना है कि सम ऑफ, ठीक है ना, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आप बनाइए। तो एंगल ए का अपोजिट क्या है, एंगल सी, ठीक है ना। तो एंगल ए और एंगल सी का जो पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है ना, इन दोनों का सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स है, वो 180 डिग्री हमको प्रूव करना है, ठीक। वैसे ही एंगल बी और एंगल डी क्या है, एक दूसरे में आपस में अपोजिट है, तो इन दोनों का जो पेयर होगा, एंगल बी और एंगल डी का जो पेयर होगा उसको सम कीजिए, मतलब सम ही को बोलते हैं पेयर, तो उसका जो सम होगा वो 180 डिग्री का होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। आइए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखूंगा मैं, गिवन में क्या लिखूंगा कि हमको ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पास मैं, आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, मैं यही लिखूंगा और बाकी सब आप लिखते रहिएगा। इसको ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, यहाँ पास लिख दूंगा कि ए बी सी एंड डी है ना आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्या है, सर्कल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, ठीक। टू प्रूव में, टू प्रूव में हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। और दूसरे नंबर में एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। इस चीज़ को मैं यहाँ पास भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसको जब मैं मिटाऊँगा ना तो मेरे को लास्ट में याद नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। तो इसको मैं लिख दूंगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है, ठीक, यही प्रूफ करना है। आइए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक। अब यहाँ पास मैं लिखूँगा प्रूफ, कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना ही नहीं है, प्रूफ। अब प्रूफ में देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, थ्योरम के अनुसार थ्योरम ये बोलता है कि अगर किसी, ठीक है ना, सेम सेगमेंट पर या सेम सेगमेंट से दो एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना, मतलब इक्वल एंगल्स फ्रॉम द सेम सेगमेंट, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ ए बी सेगमेंट से देखिए, आप ए बी सेगमेंट से एंगल 8 और एंगल 5 बन रहा है, ठीक है ना, ए बी सेगमेंट से, तो एंगल 8 और एंगल जो हमारा 5 है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास से हम लिखेंगे एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5, ठीक। अब रीज़न भी लिखना पड़ेगा, रीज़न बिल्कुल लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि इक्वल एंगल्स, ठीक है ना, इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, ठीक है ना, इक्वल एंगल्स कहाँ से हमको मिलता है, फ्रॉम सेम सेगमेंट, फ्रॉम द सेम सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक। अब सेम सेगमेंट क्या है, हमारा ए बी है, ठीक है ना, ए बी से ही ना हमारा एंगल 8 और एंगल 5 बना है, तो एंगल 8 और एंगल 5 आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम सेगमेंट से बन रहा है, मतलब ए बी सेगमेंट से बन रहा है, यहाँ पास मैं डाल दूंगा ए बी, ठीक। और वैसे ही अब मान लीजिए कि हमारा अब सेगमेंट यहाँ पास ए डी देखिए, अब ए डी सेगमेंट से क्या बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 6 बन रहा है, ठीक। तो वैसे यहाँ पास लिखूंगा मैं कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3, ठीक,
एंगल 6 और एंगल जो 3 है वो भी इक्वल होगा। रीजन में क्या लिखेंगे, सेम रीजन रहेगा और यहाँ पास जो हमारा सेगमेंट है उसको बदल देंगे, ए बी की जगह पर ए डी कर देंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पास सी डी सेगमेंट लेते हैं, तो सी डी सेगमेंट से हमारा जो बन रहा है एंगल 1 बन रहा है और एंगल 4 बन रहा है। ठीक, यहाँ से हमारा एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के साथ इक्वल हो गया। रीजन सेम रहेगा, यहाँ जो सेगमेंट रहेगा उसको चेंज कर देंगे सी डी। ठीक, अब हमारा बी सी सेगमेंट से देखिए, तो बी सी सेगमेंट से बन रहा है एंगल 2 और एंगल 7, ठीक है ना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल सेगमेंट। रीजन सेम, बस हमारा जो सेगमेंट है उसको हम चेंज करके बी सी लिख देंगे। ठीक, ये जो अभी हमने इक्वल लिखा है इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जल्दी ये इसका काम आने वाला है। एंगल जो 8 है वो एंगल 5 के साथ इक्वल है, यहाँ पास देख लीजिए। ठीक, वैसे ही ये चारों इक्वल हो गए। अब ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, अब सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मतलब सम ऑफ एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें कितने एंगल बन रहा है, 4 एंगल्स बन रहा है, तो इन चारों एंगल्स का एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। ठीक है ना, होगा 360 डिग्री। ठीक, तो मैं यहाँ पास इसको मिटाने जा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा कि एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी को ऐड करूँगा और 360 के इक्वल करूँगा उसको। देखिए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल डी, ठीक, ये चारों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, 360 डिग्री होगा। ठीक, तो एंगल ए के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ मैं। एंगल ए के जगह पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ ना। ठीक, अब एंगल बी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ मैं। ठीक, एंगल सी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल 5 प्लस एंगल 6 लिख सकता हूँ। ठीक, अब एंगल डी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल 7 प्लस एंगल 8 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इन सभी के सम को मैं इक्वल करूँगा 360 डिग्री से। क्यों इक्वल करूँगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको इक्वल क्या करना रहा, एंगल ए और एंगल सी को 180 डिग्री इक्वल करना रहा और एंगल बी और एंगल डी को 180 डिग्री। तो सबसे पहले इसको इक्वल करते हैं। अब देखिए, इसमें एंगल 1 है और एंगल 2 है। ठीक, मतलब इसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, अब एंगल 3 है, एंगल 3 है, अब एंगल 3 इसमें तो हाई नहीं है, तो अब एंगल 3 को हम क्या करेंगे, एंगल 6 बनाएंगे, एंगल 6 बनाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पास मैं लिखूँगा एंगल 1 और एंगल 2 को सेम, और एंगल 3 को मैं क्या कर दूँगा, एंगल 6 रिप्लेस कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पास इक्वल है ना, हमने अभी इक्वल प्रूव किया है। ठीक, प्लस अब एंगल 4 यहाँ पास है, नहीं है, तो एंगल 4 को मैं किस में रिप्लेस कर दूँगा, एंगल 1 में कर दूँगा, क्योंकि एंगल 1 है एंगल ए के, एंगल ए के पास है, तो इसको यहाँ पास लिखूँगा एंगल 1। अब एंगल 5 है तो इसको एंगल 5 ऐसे ही रहने दूंगा, एंगल 6 है उसको भी वैसे ही रहने दूंगा एंगल 6 को ही, एंगल 7 है इसमें, नहीं है, तो एंगल 7 को मैं रिप्लेस करके एंगल 2 बना दूंगा, एंगल 2 प्लस, एंगल 8 है इसमें, नहीं है, तो एंगल 8 को रिप्लेस करके एंगल 5 बना दूंगा। ये हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पास एंगल 1 और यहाँ पास एंगल 1, तो हो जाएगा 2 एंगल 1। इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, नहीं ब्लू ही चलने देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पास एंगल 1 और एंगल 1, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2 एंगल 1 हुआ। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 2 हो जाएगा हमारा 2 एंगल 2। ठीक, यहाँ पास एंगल 5 और एंगल 5 हो जाएगा 2 एंगल
फाइव, ठीक, एंगल फाइव और एंगल फाइव, वैसे ही हमारा एंगल सिक्स और एंगल सिक्स, टू एंगल सिक्स हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक, इक्वल टू 360 डिग्री। अब टू टू देखिए सब में कॉमन दिख रहा है, तो आप टू कॉमन ले लीजिए, ठीक, तो क्या बचेगा, एंगल वन और एंगल, अब ध्यान से देखिए, एंगल वन बचेगा और एंगल टू बचेगा, यहाँ पर एंगल वन प्लस एंगल टू बचेगा, ठीक, और इधर क्या बचेगा, एंगल फाइव एंगल सिक्स बचेगा, सब में से मैं टू कॉमन लिया हूँ, ठीक, इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक, तो मिटाने जा रहा हूँ तो याद रखिएगा इसको, मैं याद रखने के लिए मैं कहीं ना कहीं जरूर लिखूँगा क्योंकि मेरे को ये काम आएगा, तो मैं कहाँ पास इसको लिख दूँ, इसको मैं यहाँ पास लिख देता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पास मैं लिखूँगा, क्योंकि ये क्या है कि यह अभी काम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ है अभी क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा कि एंगल एट जो है वो एंगल फाइव के साथ इक्वल है, ठीक, एंगल जो सिक्स है वो इक्वल है एंगल थ्री के साथ, और एंगल जो हमारा वन है वो इक्वल है एंगल फोर के साथ, और एंगल जो हमारा टू है वो इक्वल है एंगल सेवन के साथ, ठीक। ये मैं याद करने के लिए, मतलब अपने मेमोराइज करने के लिए इसको लिखा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप वीडियो को बैक करके आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब जब मैं टू को इधर साइड ले जाऊंगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या बनेगा, डिवाइड में बनेगा, ठीक है ना, मतलब टू इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 360 को, ठीक, तो टू इधर जाएगा, ठीक। अब यहीं पास मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, एंगल वन और एंगल टू का सम, ठीक, और एंगल फाइव और एंगल सिक्स का सम, ठीक, तो एंगल वन और एंगल टू को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का सम को एंगल ए लिख सकते हैं, ठीक, प्लस एंगल फाइव और एंगल सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का सम को मैं एंगल सी लिख सकता हूँ, एंगल सी इक्वल टू, और टू इधर साइड आएगा तो 360 को डिवाइड करेगा, तो कितना बनेगा, 180 डिग्री बना हमारा, 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। इसको मान लीजिए हमारा क्या इक्वेशन, अभी कोई अभी हमने इक्वेशन लग रहा है नहीं दिया है, तो इसको इक्वेशन ए मान लीजिए, ठीक, इक्वेशन ए है, ठीक। और देखिए यहाँ पास वन और टू को मैं ए लिखा हूँ, और फाइव और सिक्स के सम को मैं सी लिया हूँ, ठीक, और टू को इधर ले गया हूँ, तो क्या क्या है, 360 को डिवाइड किया है, तो ये हमारा बन गया, ठीक। ये हमारा पहला नंबर जो प्रूव करना था, ये वाला, ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक। अब सेकेंड नंबर को प्रूव करते हैं, एंगल बी और एंगल डी का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा, ठीक। देखिए अब इसी इक्वेशन ए से मैं इसको कर दूंगा, ठीक है ना, यहाँ पास लिखूंगा फ्रॉम, एक तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया ये वाला, ठीक, अब नीचे वाले को कर रहा है फ्रॉम इक्वेशन ए, है ना, इक्वेशन ए से, ठीक है ना, इक्वेशन ए से टू को ऐसे लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक। अब देखिए अब इक्वेशन ए में बी हमको चाहिए क्या, एंगल बी, तो एंगल बी में हमको क्या चाहिए, एंगल थ्री और एंगल फोर चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पास एंगल थ्री और एंगल फोर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंगल वन को हम फोर बनाएंगे और एंगल सिक्स को हम थ्री बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पास हम लिखेंगे एंगल वन की जगह पर, ठीक है ना, एंगल वन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एंगल फोर, ठीक, और एंगल सिक्स की जगह पर हम लिखेंगे एंगल थ्री लिखेंगे, ठीक। और अब देखिए अब एंगल डी भी बनाना है हमको, तो एंगल डी में हमको क्या चाहिए, एट और सेवन चाहिए, तो हम टू और फाइव को, टू को हम बनाएंगे सेवन और फाइव को एट बनाएंगे, टू को हम क्या बनाएंगे, सेवन बनाएंगे और फाइव को एट बनाएंगे, ठीक, और सिक्स को तो ऑलरेडी हम थ्री बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक। ये हुआ, अब किसके इक्वल हुआ, 360 के इक्वल हुआ, ठीक हुआ ना। अब देखिए यहाँ पास एंगल फोर और एंगल, एंगल फोर और एंगल थ्री, ठीक है ना, इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, और ठीक है ना। देखिए अरेंज जहाँ भी करना है आपको, कोई भी इक्वेशन को अरेंज करना है, तो आप वहाँ पास और लिख के उसको अरेंज कर लीजिए, ठीक। टू को उधर भेजिए तो इसको डिवाइड करेगा, ठीक। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ एंगल फोर प्लस एंगल थ्री, ठीक, प्लस एंगल सेवन प्लस एंगल एट, ठीक। अब टू इधर जाएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, तो 180 हो जाएगा, ठीक, 180 डिग्री होगा ना।
अब एंगल फोर और एंगल थ्री का जो सम है वो हमको क्या देगा, एंगल बी देगा, और एंगल सेवन और एंगल एट का जो सम है वो हमको देगा एंगल डी। इसके जगह पे क्या मैं लिखूंगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमको प्रूव भी करना था। वीडियो काफ़ी लंबा गया, खैर कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक, ये हमारा सेकेंड नंबर जो प्रूफ करना था, ठीक है ना, ये सेकेंड नंबर, इसको भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये वाले को हैंस प्रूव्ड है, ये इसको भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी लंबा वीडियो खींच गया, खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।